गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है समय। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो समय का कोई महत्व नहीं रखते। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बहुत ही अच्छे से उस समय को अपने अनुसार या उस समय के अनुसार बिताना चाहिए। अगर एक बार जो समय निकल जाता है वह दोबारा नहीं मिलता है। इसी बात पे लेखक ने ये एक बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई है। चलिए हम लोग आज इसका रीडिंग करके इसे समझते हैं। आदमी तीन प्रकार के होते हैं, समय पर घर न मिलने वाले, समय पर किसी के घर न जाने वाले और न ही समय पर किसी के घर पर मिलने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था, पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनका बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। उनका लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख के कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और बुजुर्ग के सामने बचकाने बकबक कर रहे हैं। समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे पता नहीं, कुछ कह गए थे कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। जरूरी काम है, भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है, दरवाजे से औरतों की बातें सुनाई पड़ती हैं। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया ना घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है। कुछ औरतें बात कर रही हैं घर में। है कौन ये? अरे वही है जी, क्या नाम है उसका, कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस चीज़ से कह देते हैं कि घर आना, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियाँ जलने लगती हैं, मगर हमें ज़रूरी काम है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा कर देता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने से पहले ही कह देता है वे घर पर नहीं हैं। कहाँ गए हैं पता नहीं, कब तक लौटेंगे पता नहीं, कुछ कह गए हैं कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लौट जाएं, पर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता हुआ भीतर भागता है, ओ अम्मा वह फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं, भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है, लो वह तो फिर से आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है, कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता। कुछ काम धाम हो तो देखे, सब हंसती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है
पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है, वह उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है, पापा बाहर गए हैं, ए मुन्ने चुप, चाटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मज़ा आने लगा है, दरवाजे पर आकर बार बार कहता है पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता हुआ भीतर भाग जाता है, फिर आता है। हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है, वह फाटक बंद करने के लिए। हम उठते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर पर मिल गए तो लगता है भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके निश्चित अनिश्चित काल तक के लिए किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतजार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि है कि इंतजार से प्रेम बढ़ता है, हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का ज्ञान इसी बात से तो होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतजार करता है। मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ पर उस वक्त हरगिज़ उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर न मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं हो और वे मिल जाते हैं। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकताएं बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया है। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं, आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा कहाँ गए हैं। उसने कहा कुछ पता नहीं है, कब आएंगे कुछ बता गए हैं नहीं। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। मैं उसे क्या बताता कि क्या काम है। मैं अलबत्ता इतना समझ गया कि इस परिवार में मेरे लिए भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फला के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा अब कल ज़रूर आ जाओ। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से मैंने सावधानी की दीवार अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर पर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे उस वक्त आएंगे। उन्होंने शाम को 7 बजे कहा है तो सुबह 8 बजे तक आ भी सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहाँ खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे, मिले तो भावुक हो उठे। अरे अब न जाने कब मिलना होता, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो, मित्र ने तारीख बताई। वे बोले कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ, देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुँच गए, वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा यार उन्हें जानते हुए भी तुमने कल हाँ कह दिया। मैंने कहा निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता।
उसने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए? हाँ कह देते पर आते नहीं, मैंने कहा। पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर न आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों वे कुछ कह गए हैं? लड़का बोला, जी नहीं वे तो कुछ नहीं कह के गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। हम वहाँ पहुँचे, इससे पहले कि मैं उनसे शिकायत करूँ वे उस मित्र की से बोले, तो कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो? कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा ही तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ध्यान नहीं रखते और अपना तथा दूसरे का वक्त बर्बाद करते हैं, मतलब खराब करते हैं। पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ध्यान भी रखें। जिनकी उम्र 50-60 वर्ष की होती है, हमारी उम्र तो करोड़ों साल की है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले जन्म में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है। तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं कर पाए। जल्दी क्या है? ये एक व्यंग्यात्मक चैप्टर था आप लोगों का, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसे लोगों पे कटाक्ष किया है जो लोग समय के पाबंद नहीं हैं, समय का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को भी अपने साथ समय के चक्र में बांध के रखते हैं और उनकी मनोदशा को नहीं समझते। अब ये चैप्टर हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। शब्दार्थ है जीवधारी का अर्थ सजीव या प्राणी, बचकानी का अर्थ होता है बच्चों जैसी, मट्ठर का अर्थ होता है ढीला, आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन, शिष्टता से मतलब आदर से, अफसोस का अर्थ होता है दुख, एजेंट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, निंदा का अर्थ होता है बुराई। ये आप लोगों का शब्द अर्थ है, आप लोगों को अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। लेखक के अनुसार आदमी कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 8 प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? तो लेखक के अनुसार आदमी 3 प्रकार के हैं। दूसरे वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, सुदर्शन, हरिशंकर परसाई या इनमें से कोई नहीं? तो हम लिखेंगे तीसरा है हरिशंकर परसाई, सही है, इस पे टिक लगाएंगे। लेखक ने इस पाठ में किसका महत्व दर्शाया है? सत्य का, समय का, धर्म का या इनमें से कोई नहीं? तो लेखक ने इस पाठ में समय का महत्व दर्शाया है, इसलिए दूसरे वाले ऑप्शन पे हम सही का टिक लगाएंगे। हो गया। अगला एक्सरसाइज है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो करना है, भरना है, वो हमने भर दिया है। आप लोग देख के अपनी बुक में भर लेंगे। सज्जनतावश हम इन्हें आदमी कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे आदमी, ये आपस में टाइम पीस है, यहाँ लिखेंगे टाइम पीस। हम उनका बैठक में इंतजार कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे इंतजार। लड़का मुँह छिपा कर भागता है, यहाँ लिखेंगे भागता। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, यहाँ लिखेंगे मनुष्य। तो बच्चों, आप लोगों का एक्सरसाइज ये था, ये और ये तीनों एक्सरसाइज आप लोग अपनी, ये एक्सरसाइज कॉपी में लिखेंगे और ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक में रहने देंगे भर के, ठीक है। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसका रिविज़न करते रहिएगा आप लोग, और आगे वाले चैप्टर को भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। फिर हम आप लोगों से अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। ये चैप्टर आप लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, पूरा रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बुक में भरेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा, क्वेश्चन आंसर आप लोग नोटबुक में लिखेंगे और लिख के लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू।